हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.4 करवाऊंगी। इसमें हमें पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल अ स्ट्रेट एंगल। जो राइट एंगल है उसका मेजर क्या होता है और स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था जो राइट एंगल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल जो है, जो हमारा इस तरीके से बनता है, वो हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, चाहे वो इधर बने, आप इसको इधर भी बना सकते हो, आप इसको सेंटर में भी बना सकते हो, ये सब हमारे जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स ऐसे बनते हैं। स्ट्रेट एंगल होता है हमारा जो बिल्कुल सीधा बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये इस टाइप से जो हमारा एंगल बनता है ये स्ट्रेट होता है, चाहे वो ऊपर बने चाहे वो नीचे की तरफ बने, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये होता है हमारा 180 डिग्री का। राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। से ट्रू फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि जो मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल है, जो एक्यूट एंगल होता है उसमें हमारा 90 डिग्री जो है वो ग्रेटर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। एक्यूट एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हमारा उसमें ग्रेटर रहता है, तो ये हमारा ट्रू है। और जो मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसमें भी सेम ही होता है क्या, उसमें भी 90 डिग्री हमारा ग्रेटर होता है? नहीं, उसमें 90 डिग्री हमारा लेस होता है, क्योंकि वो 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, इसलिए ये फॉल्स है। और मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल के अंदर जो हमारा एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल हमारा ग्रेटर होता है और 180 डिग्री जो है उसमें हमारा स्मॉलर होता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा के होते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर हो जाएगा और ये हमारा जो है वो स्मॉलर होता है, तो ये ट्रू है। इसमें एक्यूट एंगल जो है हमारा लेस देन होता है 90 डिग्री, ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल हमारा ग्रेटर होता है और 90 डिग्री लेस देन होता है, इसलिए हमारा ये फॉल्स है। इसमें रिफ्लेक्स एंगल हमारा ग्रेटर होता है और 180 डिग्री स्मॉलर होता है, इसलिए ट्रू है। और जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमारा ये ट्रू है। ए एंगल, ए मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी, 53 हमारा ग्रेटर है, एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, तो ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि ये 53 है, 35 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। यहाँ पे हमें कुछ एक्यूट और सम ऑब्ट्यूज एंगल जो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो एक्यूट एंगल हमारे लेस देन 90 होते हैं, तो आप लिख सकते हो उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, आप ये सब जो लिख सकते हो, 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये सब एक्यूट एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो मोर देन 90 डिग्री होते हैं और लेस देन 180 डिग्री, तो इसमें आप लिख सकते हो 110 डिग्री, 115 डिग्री या 145 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब हमारे ऑब्ट्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब हमने इसको मेजर करना है प्रोटेक्टर से और फिर हमने इसकी मेजरमेंट लिखनी है। तो पहले, सबसे पहले हम ये मेजर करेंगे इसको प्रोटेक्टर से, तो यहां पर हम इसको इस टाइप से रखेंगे। तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, 50 और 40 के बीच में, यानी कि ये हमारा कितना होगा, 45, तो ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे, ये हमारा कितना आ रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री देख के पता चल रहा है हमें। उसके बाद हमें कौन से एंगल इसमें देखने हैं, एक हमें ये देखना है, एक हमें ये देखना है और एक हमें ये देखना है। तो पहले जब हम ये वाला एंगल देखेंगे तो वो हम इसको बेस मानेंगे। ठीक है, इसको बेस मान के जब हम देखेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहां से देख लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का आ रहा है। अब हमें ये वाला एंगल जो है वो देखना है, तो पहले हम ये वाला एंगल देख लेते हैं, ये वाला, इसको बेस मान के ये एंगल देख लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा कहाँ आ रहा है, 90 और 80 के जो है बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो ये हमारा 85 डिग्री का है। अब ये वाला एंगल देखना है तो हमें इसके अंदर बेस कौन सा लेना होगा, इस वाले एंगल में ये हमारा बेस है। ठीक है,
ठीक है, और उसके ऊपर ये इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे और ऐसे बना हुआ। तो हमें यहाँ सेंटर में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अगर रखते हैं तो ये हमारा जो है किस पे आ रहा है, 130 डिग्री पे, यानी कि ये जो ये एंगल है वो हमारा है 130 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, विच एंगल हैज अ लार्जर मेजर, लार्ज मेजर सॉरी, कौन से एंगल का मेजर जो लार्ज है, ए और बी में से कौन सा जो है जिसका मेजर लार्ज है। तो हम दोनों को देख लेते हैं, वैसे तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसका मेजर जो है वो लार्ज है, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा आता है 40 पे, और ये अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा 70 पे आता है। तो 40 और 70 में कौन सा लार्ज है, बी वाला जो है, ये 70 डिग्री वाला ये हमारा लार्ज है, बी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज अ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देन। पहले तो हमें देख के ही बताना है कि दोनों में से जो है कौन सा लार्जर है, ठीक है। हमें जो पता चल रहा है, अगर हम इसको देखें तो अगर ये बेस है और उसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है और एक ये एंगल बना हुआ, तो देख के पता चल रहा है कि ये वाला जो मेजरमेंट है वो ज्यादा है। इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नेम दे देते हैं। तो जो 2 वाला मेजरमेंट है वो हमें ज्यादा लग रहा है, और हम मेजर जब करेंगे ना तो ये हमारा जो है वो 142 डिग्री आएगा, और इसको मेजर करने पे ये 53 डिग्री आएगा, अगर आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करोगे। तो जो 53 डिग्री वाला है, सेकेंड वाला जो है, सेकेंड एंगल हैज लार्जर मेजर, कि सेकेंड एंगल का जो है वो लार्जर मेजर है। उसके बाद फिलिप्स आ जाते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन द राइट एंगल, जो राइट एंगल से कम होता है वो हमारा एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन द राइट एंगल, जो राइट एंगल से ज्यादा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल मिलके क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल। जब दो राइट एंगल को हम प्लस करते हैं तो हमारा बनता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। वेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज डेट द राइट एंगल देन ईच ऑफ दैम इज, जब हम दो एंगल्स को प्लस करते हैं और हमारा एक राइट एंगल बनता है, तो उसको एंगल, वो कौन से एंगल होते हैं जिनको हम दो एंगल्स को प्लस करते हैं, जब हम दो एक्यूट एंगल्स को प्लस करते हैं तब हमारा जो है एक राइट एंगल बनता है, ठीक है, टू एक्यूट एंगल्स। ई है, वेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज डेट द स्ट्रेट एंगल, कौन से दो एंगल्स को हम प्लस करते हैं कि हमारा स्ट्रेट एंगल बने, जब हम दो ऑब्ट्यूज एंगल को, यानी कि मोर देन जो 19 होते हैं, जब हम दो ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस करते हैं तब हमारा एक स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एंड शो इन द ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड ईच ऑफ द मेजर विद प्रोटेक्टर। पहले तो आप देख के ही बताओ ये कितना है, हमें देख के पता चल रहा है कि 90 डिग्री से कम है, लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं तो हमारा कितना आता है, ये आता है हमारा 40 डिग्री, ठीक है। और आपको ये कितना लग रहा है, ये देखो ये मोर देन लग रहा है ना 90 से ज्यादा, तो कितना 120 या 130 होगा। तो इसको अगर हम मेजर करते हैं तो ये हमारा आता है 130 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल हमारा 90 से कम है, नियर 60 या 70 डिग्री होगा, मेजर करके आप देखना 70 डिग्री आएगा। ये हमारा जो है एंगल, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो हमारा 135 डिग्री आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो आप, अब क्लॉक में देखो, क्लॉक से आपको बताना कि कौन सा एंगल जो है इसमें बन रहा है। फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। अब ये देखो, पहला जो है हमारा फर्स्ट है वो हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला जो है हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 9 एएम पे। तो फर्स्ट एंगल हमारा ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये अगर आप मेजर करेंगे, इसको अगर आप बेस लोगे और इसको मेजर करोगे तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का आएगा, ये आपका स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया हमें यहाँ पे, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, ये जो हमें इसमें दे रखा है 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर। अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या ये जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने से एंगल बड़ा हो जाता है, नहीं, जो एंगल की मेजरमेंट है वो तो वही रहेगी, तो एंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम रहता है, चाहे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो या कैसे भी देखो। तो एंगल मेजर 30 डिग्री व्हेन वी लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो सेम फिगर ही वो रहेगी,
पीछे इसका आंसर दे रखा है, बस आपको वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, मेजर द क्लासिफाई ईच एंगल। अब हमें हर एक एंगल को जो है ना मेजर करना है। पहले इन्होंने हमें बोला ए ओ बी, तो हमारा ए ओ बी जो है वो हमारा ये एंगल बन रहा है। अगर हम इसको मेजर करते हैं तो हमारा कितना डिग्री आता है, साथ में बताना है कौन सा टाइप का एंगल है। अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये हमारा आता है 40 डिग्री आता है, और 40 डिग्री क्या होता है, हमारा एक्यूट एंगल होता है। उसके बाद उन्होंने बोला ए ओ सी, अगर मैं ए और सी को देखूं तो मेजर करने पे ये हमारा आता है 130 डिग्री, और 130 डिग्री क्या है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंगल मेजर करने के लिए बोला है, बी ओ सी। अब बी ओ सी कौन सा है, ये बी है, ये ओ है सी, तो ये हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस टाइप से। अगर आप ये नीचे स्ट्रेट है, ये ऊपर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा राइट एंगल है। उसके बाद डी ओ सी, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, तो ये भी हमारा राइट एंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल। अब डी ओ ए, अगर हम इसको देखें, ये हमारा बेस है और ये वाला एंगल, इसको अगर हम मेजर करेंगे तो हमारा, इसको हमें मेजर जो करना पड़ेगा इस टाइप से, यहां से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा जो है इसके अंदर डी ओ ए के अंदर, डी ओ ए अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो बेस है वो डी ओ है, ये हमारा बेस है और इसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल हमारा आता है, अगर हम इसको मेजर करें तो इस टाइप से हमें इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और ये आ रहा है हमारा 140 के ऊपर, तो डी ओ ए जो है हमारा 140 है, और ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री से मोर देन है, और डी ओ बी बिल्कुल स्ट्रेट है, देखो डी ओ बी बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये हमारा 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। बस हमें इसके अंदर यही बताना था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।